JNI न्यूज़ पर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखाना चाहते हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम लेकर हाजिर हैं लखनऊ से। आवारा कुत्तों से लखनऊ के सभी निवासी परेशान हो गए हैं। आपको बता दें, कुत्ते को लेकर इससे पहले कई घटनाएं पेश आ चुकी हैं। इसका जीता जागता सबूत अर्जुनगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले को भी कुत्तों ने झकझोर कर रख दिया था। आज इसी तरह राजधानी लखनऊ लाल नगर खेड़ा दुबग्गा आंधी चौकी घास मंडी रोड बेग निकट जंगली कुत्तों का आतंक साफ देखा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे, कुत्ते ने बकरी के बच्चे को उठाकर ले गए। जब उसी वक्त बकरी के मालिक भीम सिंह बकरी को छुड़ाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं तो कुत्ते बकरी को छोड़कर भीम सिंह के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि भीम सिंह गिर जाते हैं और भीम सिंह के डर के मारे हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। इन्हें अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया जाता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार इन आवारा कुत्तों के लिए कोई योजना जरूर लागू करे ताकि लखनऊ निवासी कुत्तों से शांतिपूर्वक दिन में निकल सके। क्या भरोसा है, आज बकरी को कुत्तों ने झपट्टा है, कल घर के आंगन में खेलने वाले किसी भी बच्चे को कुत्ते उठाकर ले जा सकते हैं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार इन आवारा कुत्तों के लिए कोई योजना लागू करे जिसके जरिए लखनऊ के आम नागरिक शांति से जी सके। आइए देखते हैं लखनऊ संवाददाता मंजू सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट। हम बोलेंगे, क्या नाम है, कसमंडी रोड अंधे की चौकी लाल नगर का खेड़ा। तो यहाँ पे जो है कुत्ते चार पांच आए थे, आतंक बहुत मचा रहे हैं और यहाँ जो है उसके बकरी के बच्चे को पूरे ने चीर फाड़ दिया और सब वो सब कर दिया। उसी में एक आदमी की तबीयत खराब हो गई, वो संजीवनी हॉस्पिटल में जब भर्ती, साथ में मेरे वो भी गया था। तो फिर जो है ये छोटे छोटे आज वो बकरी के बच्चों पे हमला कर रहे हैं और कल ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और ये सब है, कल को इनको तो हमसे प्रशासन से ये नगर निगम से हमें वो अनुरोध है कि वो आके यहाँ पे उन पागल कुत्तों को जो है पकड़ ले जाए। और जिस वजह से हमारे भाई लोग चार पांच आदमी धवा लें तो उन लोग ने मिल के सबको बचाया, वरना बच्चे भी जब्त में इन कुत्तों के आ जाते, वो ऐसा आतंक मचाए हुए हैं। तो ये कुत्ते मतलब आए कहाँ से हैं कि यही पाले हुए हैं कि मतलब नगर निगम की गाड़ी छोड़ जाती है? ये अब ये तो मुझको इसमें नहीं पता, लेकिन ज्यादातर ये पागल कुत्ते हैं, उधर से आते हैं ये। अक्सर इससे पहले भी, एक महीना पहले भी बकरी बच्चे को उठा के वो जा चुके हैं और यहाँ पे बच्चों को बहुत खतरा है। कितने हादसे होते रहते हैं आए दिन? अभी तक के तो फिलहाल दो ही हादसे हुए हैं, लेकिन आगे और है। वो कुत्ते भी फिर आए थे तो फिर सबने गांव वालों ने मिलकर यहाँ पे भगाया है और ये सब ये पीछे यहाँ बाग से आ जाते हैं कुत्ते और यहीं से सब दौड़ाते हैं और अभी उसको जब कुत्ते फिर आए थे फिर सबने भगाए। जी आप बताइए, आपका परिचय बताइए। आलम। आलम जी, आपने क्या देखा? ये जो बता रहे हैं यही हमने भी देखा, कुत्ते हैं तो कुत्ते इसे हैं, बाघ से आए, इससे पहले भी हमला कर इन था। तो इसे मतलब ये रहता है कि जैसे कुत्ते जो है जानवर को नोच के ले जा रहे हैं, इसी तरीके से है आज ये जानवर को नोच रहे हैं। कल जानवर नहीं मिलेगा तो फिर इंसानों के बच्चों पे भी हमला करेंगे। ये बात सही है, आप इसलिए ये कह रहे हैं इस पर कुछ कार्रवाई करें, इनको जो है पकड़ा जाए, इनको सेफ जगह किया जाए। तो ये मतलब किसी मतलब बच्चों को भी काटते हैं? कोई बच्चों को भी काटा भी है? एक लड़का है तो उसके भी काट चुके थे, लेकिन उसमें क्या था, सब लोग खड़े हुए थे तो सबने मौके पे दौड़ा लिया था, वरना ये तो दिन पे दिन जो कुत्ते मुसीबत बनते जा रहे हैं, ये बहुत आतंक मचा रहे हैं और हमें नगर निगम प्रशासन से ये अनुरोध है कि ये जल्दी आके इसको पकड़े, नहीं तो ये कोई कल को ये बच्चों को भी बड़े इंसानों के भी बच्चों को, आज जानवरों को पकड़ ले तो उनकी आदत खराब हो जाएगी, कल ये बच्चों को भी पकड़ सकते हैं। तो हमें यही नगर निगम से वही, ये कुत्ते को तरह से पकड़ ले जाए, रात बिरात में बहुत खतरा है कुत्तों से और बट खौफ बढ़ रहे, कोई डर के हमारे घर से नहीं निकलता, बहुत आतंक मचाए हुए कुत्ते।